हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका क्रिकेट टॉक शो टीवी के एक और नए धमाकेदार एपिसोड में। दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बारे में। जानेंगे इस वीडियो में कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर कौन कौन से प्लेयर को रिटेन करने वाली है, उसके बाद कौन कौन से प्लेयरों को वो आरटीएम कार्ड से अपनी टीम में रखना चाहेगी, उसके बाद बात करेंगे कि कौन कौन से प्लेयर को टारगेट करने वाली है, यानी कि इनकी टारगेट लिस्ट इस सीज़न क्या होने वाली है। उसके बाद चलेंगे सीधा प्लेइंग 11 की तरफ कि आखिरकार 2025 के लिए आरसीबी की टीम क्या बना सकती है परफेक्ट प्लेइंग 11। सबसे पहले जान लेते हैं रिटेंशन रूल। आप टोटल 5 रिटेंशन कर सकते हो, रिटेन कर सकते हो, उसके बाद एक आरटीएम कार्ड भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसका मतलब आपके पास टोटल 6 प्लेयर रोकने की क्षमता है, मतलब आप 6 प्लेयर्स को रोक सकते हो, जिसमें कि मिनिमम एक अनकैप्ड प्लेयर होना चाहिए और मैक्सिमम 2। इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितने चाहें इंडियन जितने चाहें ओवरसीज प्लेयर को रिटेन कर सकते हो। अब चलिए जानते हैं ये कौन कौन से प्लेयर को रिटेन करने वाली है। पहली रिटेंशन नो डाउट 18 करोड़ विराट कोहली को वो जाती है। 18 करोड़ में आपको विराट कोहली रिटेन होते हुए दिख जाएंगे। बात करें दूसरी रिटेंशन की जो कि 14 करोड़ की होगी, यहाँ पर यह टीम कैमरन ग्रीन को रोक सकती है। कैमरन ग्रीन अभी 6 महीने के लिए भले ही इंजर्ड हैं, लेकिन आईपीएल तक फिट हो जाएंगे और हो सकता है आपको यह टीम उनको रोकते हुए दिख जाए। अगर कैमरन ग्रीन को नहीं रोकती तो 14 करोड़ में रजत पाटीदार को रोक सकती है। रजत पाटीदार 14 करोड़ में बनता भी है, 14 करोड़ में रजत पाटीदार को रिटेन करना, क्योंकि ऑक्शन में जाएंगे तो आराम से उनको 8-10 करोड़ तो मिल ही जाएंगे। ऐसे में 4 करोड़ एक्स्ट्रा देकर मुझे नहीं लगता कोई भी इसमें संकोच वाली बात है, बिकॉज आरसीबी के पास हमेशा से ही इंडियन बैटर की कमी रही है और यहाँ पर आपको एक स्टेबल इंडियन बैटर मिल रहा है, तो इसमें कोई भी नुकसान का सौदा नहीं है। इसके बाद बात करें तीसरी रिटेंशन की जो कि 11 करोड़ की होगी, यहाँ पर मुझे लगता है इस टीम को ज़रूर से विल जैक को रिटेन कर लेना चाहिए। विल जैक एक अच्छे खिलाड़ी हैं, आपको बॉलिंग देते हैं और काफ़ी ताबड़तोड़ बैटिंग भी करते हैं, तो मेरे हिसाब से विराट कोहली, रजत पाटीदार, विल जैक और अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर यश दयाल वो प्लेयर हो सकते हैं जिनको 4 करोड़ में रोकना चाहेगी। इसका मतलब ये टोटल 4 रिटेंशन करेगी और 2 आरटीएम के साथ ये ऑक्शन में जाएगी। ऑक्शन में जाने के बाद ये 2 आरटीएम इस्तेमाल कर सकती है, पहला जिसमें की रहेगा मोहम्मद सिराज पर और दूसरे आरटीएम की बात करें तो दूसरा आरटीएम रहेगा कैमरन ग्रीन पर अगर वो ऑक्शन में आ जाते हैं तो। तो ये इस टीम की पूरी रणनीति रहने वाली है मेगा ऑक्शन के लिए। अब चलिए बताते हैं ये कौन कौन से प्लेयर को टारगेट कर सकती है। सबसे पहले जानते हैं बल्लेबाज कौन कौन से टारगेट करने वाली है। तो उनको बल्लेबाज की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होने वाली है और बल्लेबाज के तौर पर हो सकता है अगर रोहित शर्मा इस टीम में आ जाते हैं तो इनको कप्तान की भी ज़रूरत रहेगी, तो बल्लेबाज प्लस कप्तान रोहित शर्मा इस टीम में काफ़ी कुछ डिलीवर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से रोहित शर्मा इस टीम में जाने वाले हैं अगर वो ऑक्शन में आ जाते हैं तो। बात करें दूसरे प्लेयर की तो ओपनर की, तो यहाँ पर बैकअप ओपनर या फिर मेन ओपनर के तौर पर भी कई सारे प्लेयर आ सकते हैं। यहाँ पर नाम रहेगा प्रभसिमरन सिंह, रचिन रविंद्र और अगर बात करें तो ये काफ़ी कुछ प्लेयर्स पर और टारगेट कर सकती है, जैसे कि पृथ्वी शॉ। तो ये कुछ प्लेयर होने वाले हैं जो कि ओपनर्स की तरफ देख सकती है। बात करें अब ये मिडिल ऑर्डर कौन कौन से प्लेयर को टारगेट करना चाहेगी तो नीतीश राणा का नाम यहाँ पर भी आता है। नीतीश राणा के ऊपर इस सीज़न बोली लगने वाली है और अच्छी खासी बोली लगने वाली है, ये टीम उनके ज़रूर से टारगेट करना चाहेगी। बात करें कुछ ओवरसीज प्लेयर्स की तो ग्लेन फिलिप्स, एडन मार्करम वो प्लेयर होने वाले हैं जिनको ये टारगेट करना चाहेगी और अगर बात करें तो मोइन अली की भी वापसी इस टीम में हो सकती है। मोइन अली, बैन स्टोक्स वो कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो कि इस टीम के लिए आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। बात करें फिर आगे चलें तो लोअर ऑर्डर की तरफ चलते हैं, लोअर ऑर्डर की बात कर लेते हैं। लोअर ऑर्डर में रमनदीप सिंह हर एक टीम की प्रायोरिटी लिस्ट में रहेंगे, रमनदीप सिंह को कई सारी टीमें टारगेट करना चाहेंगी। उसके बाद कुणाल पांडे, वॉशिंगटन सुंदर, डैरल मिचेल, अब्दुल समद और शहबाज अहमद वो कुछ ऐसे नाम होने वाले हैं जिनको ये टीम टारगेट कर सकती है। अब अगर स्पिनर्स की तरफ चलें तो वरुण दुहत्रंगा के पीछे ये टीम जा सकती है और युजवेंद्र चहल के लिए ये हो सकता है होम कमिंग सीज़न हो अगर राजस्थान रॉयल्स की टीम उनको रिलीज़ कर देती है तो। इसके बाद अगर बात करें फास्ट बॉलर्स की तो फास्ट बॉलर्स में इनको काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करनी होगी, मोहम्मद सिराज, यश दयाल इनके पास रहेंगे। उसके बाद अगर बात करें तो कई सारे प्लेयर ऐसे होने वाले हैं जिनको ये टीम ज़रूर से टारगेट करेगी, नाम रहेंगे कहीं सरोवाडा, एनएस नोकिया, नैथन एलिस। इसके बाद अगर बात करें तो भुवनेश्वर कुमार के पीछे ये टीम ज़रूर से जाएगी, मार्क वुड भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। उसी के साथ ही दोस्तों ये टीम मिचेल स्टार्क के पीछे भी जा सकती है। सो ये कुछ प्लेयर होने वाले हैं जिनको ये टीम ज़रूर से टारगेट करना चाहेगी। अब चलते हैं सीधा प्लेइंग 11 की तरफ, ये प्लेइंग 11 क्या बना सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा आपको इस टीम के लिए ओपन करते हुए दिख जाएंगे। नंबर 3 की बात करें तो रजत पाटीदार नंबर 3 पर आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। नंबर 4 की बात करें तो नीतीश राणा को नंबर 4 पर खिला सकती है। नंबर 5 की बात करें तो विल जैक को अगर
उन्होंने रिटेन कर लिया तो नंबर 5 पर आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 पर बेन स्टोक्स, अगर इस टीम ने टारगेट करने में कामयाब हो गई ये टीम तो आपको नंबर 6 पर खिलाते हुए दिख जाएगी। नंबर 7 की बात करें तो फिर नंबर 7 पर फिर से शहबाज अहमद या फिर यहाँ पर रमनदीप सिंह, जिसको भी टारगेट करने में कामयाब हो गई, वो यहाँ पर आपको खेलता हुआ दिख जाएगा। नंबर 8 की बात करें, युजवेंद्र चहल की इस टीम में वापसी हो सकती है और वो हो सकता है आपको इस टीम के लिए खेलते हुए नजर आ जाए। बात करें फिर नंबर 9 की तो नंबर 9 पर आपको यश दयाल खेलते हुए दिख सकते हैं। नंबर 10 की बात करें तो नंबर 10 पर मोहम्मद सिराज और नंबर 11 पर मिचेल स्टार्क आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। सो गाइस ये रह सकता है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का पूरा स्क्वाड विद प्लेइंग 11। आप बताइए आपके हिसाब से इस प्लेइंग 11 या फिर इस स्क्वाड में कौन से प्लेयर की कमी है, या फिर कुछ ऐसा प्लेयर है जो कि इस टीम में है लेकिन नहीं होना चाहिए था, आपकी राय इस बारे में क्या है जरूर से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलेंगे हम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।